पापा का मन पापा टीचर थे ठीक है तो उनका ये मन था कि बच्चे भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई में ही निकले आ, क्योंकि हमारे घर में ना सब कोई बैंक मैनेजर कोई सी कोई कुछ तो ये था कि घर वालों को भी कि तुम भी कुछ अच्छी पोस्ट पर निकलो वाइट कॉलर जो जॉब होती है आ, वो होनी चाहिए उनका ये था मेरे से इंजीनियरिंग की उम्मीद थी उनकी कि आईआईटी करेगा मैंने कहा इंजीनियर हाँ उल्टे तो निकलते हैं ऐसे इंजीनियर्स तो वही है तेरे में भी तो... बोला भी नहीं जा रहा है वही तो फिर यही बात बात हुई तो पहली सैलरी जो आई वो मैंने जाके सीधे पापा के हाथ में दे दी सारी ठीक है उन्होंने कहा क्या है ये मैंने कहा भाई <laughs> भाई सॉरी मैंने कहा पापा सैलरी देखो फिर पापा ने सपोर्ट किया भाई बोलते अब से मैं भाई तेरा अरे ब्रो ये एक्चुअली पैसे ना हो रख ले नहीं नहीं तो पहले सैलरी दी तो उन्होंने कहा कि क्या है मैंने कहा पापा ये मैं एक महीने से ना जॉब कर रहा था ऐसे ऐसे एक बंदा है हर्ष बेनीवाल काफ़ी फेमस है और ये है सीन तो पहले तो दो मिनट कुछ नहीं बोला मैं फिर प्रिपेयर हो गया मैंने एकदम नसोस टाइट कर ली कि अब चांटा पड़ने वाला है तो ज्यादा तेज ना लगे तो फिर कह रहे अच्छा लगा मैंने कहा क्या मैंने पैसे या मेरा काम क्या मैंने क्योंकि वीडियो वगैरह भी दिखाई उनको नहीं, नहीं कह रहे काम अच्छा लगा तुम सही कर रहे हो मतलब उनको उनको भी अच्छा लगा कि कोई एक्टिंग का घर में हमारे मतलब फैमिली में ना ऐसा कोई भी नहीं था मीडिया या इन सब लाइनों में कोई भी नहीं था तो बिहार के मतलब होता है यार थोड़ा बिल्कुल टिपिकल बिहार के हम लोग थे तो पापा ने कहा सही कर रहे हो लेकिन इन सब में पैसे वैसे क्या आगे मतलब फ्यूचर सिक्योर है ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ हो जाएगा मैंने कहा पापा बस मेरे को आप छः महीने दो छः महीने में अगर कुछ अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं है ये लड़का मतलब नहीं कर पा रहा है इसी मैं खुद छोड़ दूंगा लेकिन छः महीने तक का बस मेरे को टाइम दे दो तो, छः महीने कुछ मत टोकना मेरे को तो छः महीने का उन्होंने टाइम दिया छः महीने में बिल्कुल मतलब मुझसे अलग ही रहा हर्ष भाई के साथ रहता था बस घर कभी कभार हफ्ते में एक बार आना जाना तो वहाँ मैंने चीज़ें सीखी स्क्रिप्टिंग वगैरह फिर एक्टिंग मूवीज़ देखता था बहुत सारी हम दोनों साथ में देखते थे अज भाई हम लोग मतलब बहुत काम करते थे अपनी एक्टिंग के भी ऊपर और अपनी स्क्रिप्टिंग के भी ऊपर उसके बाद फिर हाँ जो काम किया फिर वो दिखना शुरू हुआ लोगों को मतलब लोगों ने पहचाना लोगों ने अलग से ही मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला क्योंकि मेरी एक्टिंग मेरी चीज़ें बहुत पसंद करते थे और मेरे को ये लगता है कि अभी भी ना मैं उससे बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ तो ये वाला है और करूंगा मैं इतना है अभी तो इक्कीस साल की उम्र है अभी स्टार्ट ही हुआ है सब कुछ तो फोड़ेंगे पच्चीस छब्बीस तक में अच्छा खासा फोड़ देंगे तो यही वाला सीन है बाकी तुम तो लोगों को जर्नी यही थी मेरी मतलब ऑलमोस्ट जर्नी और ये और बाकी नहीं नहीं यही थी यही थी ठीक है आप गौरव